जय श्री राम मित्रों। मित्रों, क्या आप शूर्पणखा के पुत्र के विषय में जानते हैं? किसने किया था शूर्पणखा के पुत्र का वध? लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के विषय में तो हम सब जानते ही हैं। वो स्वेच्छारिणी थी जिसका विवाह विद्युज्जीव नामक दैत्य के साथ हुआ था। विद्युज्जीव कालकेय के कुल से संबंधित था, जिसका वध रावण ने ही किया था। अलग अलग पुराणों में उसके वध की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कालकेयों से युद्ध के दौरान अनजाने में रावण के द्वारा उसका वध हो गया था, तो वहीं एक अन्य पुराण की कथा के अनुसार वह स्वर्ग लोक में आक्रमण के समय विद्युत जीव को अपने साथ स्वर्ग लोक ले गया था, जहां पर उसका वध हो गया था। ओडिया भाषा में अनुदूतित रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण जब दिग्विजय के लिए जाने लगा, तब उसने विद्युत जीव को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त किया था, किंतु विद्युत जीव ने ऐसा सोचा कि क्यों ना वह समस्त माया विद्या सीखकर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पाताल लोक चला गया और तमाम तंत्र विद्या, माया विद्या, उच्चाटन, त्राटक आदि सीखने लगा। किंतु जब रावण वापस आया और उसको विद्युजीव के इस विश्वासघात का पता चला, तब वह क्रोध में आग बबूला होकर पाताल लोक गया और खड़क के द्वारा उसका वध कर दिया। विद्युजीव के वध के उपरांत शूर्पणखा से रावण ने कहा कि तुम स्वेच्छा पूर्वक किसी भी पति का वरण करके विचरण कर सकती हो तथा सुख से निवास कर सकती हो। रंगनाथ रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने अपने बहनोई विद्युजीव का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। रावण ने शूर्पणखा को अपनी इच्छा अनुसार पति का वरण करके जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा दी। शूर्पणखा पंचवटी में चली आई और वहां पर ससमय उसने जम्बूमाली नामक पुत्र को जन्म दिया। जब जम्बू बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से प्रश्न किया। शूर्पणखा से यह जानकर कि उसके पिता का वध रावण ने कर दिया है, वह अत्यधिक क्रोधी हो गया और रावण के वध के निमित्त वह तप करने के लिए जंगल को चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हो। यह सोचकर कि ये सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं, उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय करके वन में घनघोर तप किया। चिरकाल तक तपस्या करने के उपरांत उसका शरीर बांस के झुरमुट से ढक गया। तब सूर्य देव ने आकाश मार्ग से एक दिव्य खड़क भेजा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था और वे लक्ष्मण और सीता जी के साथ में वन प्रवास के लिए पंचवटी आ चुके थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और ठीक उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ एक खड़क अचानक हवा में लहराने लगा और वह खड़क तपरत जम्बू के पास में जाकर ठहर गया। खड़क से आवाज निकली कि हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप यह खड़क स्वीकार करें, श्री सूर्य देव ने मुझे भेजा है। लेकिन गर्व के वशीभूत होकर उस राक्षस कुमार ने उस खड़क को यह कहकर के वापस जाने के लिए कहा कि यदि साक्षात सूर्य देव आकर के तुमको मुझे समर्पण करते तब मैं स्वीकार कर लेता, किंतु उन्होंने स्वयं न आकर हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे और इस घटना से अनजान उन्होंने उस दुर्लभ और चमचमाते खड़क को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही एक मुनि कुमार के 2 टुकड़े हो गए, छटपटाता हुआ दिखाई दिया।
अब तो लक्ष्मण जी एकदम से कातर स्वर में विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं श्री दशरथ जी का पुत्र और श्री राम जी का लघु भ्राता ऐसा जघन्य कृत्य कैसे कर बैठा। अब तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वह आत्महत्या करने को तत्पर हो उठे। मृत्यु से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। तभी अनायास ही कुछ मुनियों का एक समूह वहां पर उपस्थित हो गया। फिर क्या था, मुनियों ने उपर्युक्त पूरी कथा वृत्तांत के साथ श्री राम को सुनाई। उन्होंने श्री राम को यह बताया कि वह ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है। वह महान प्रतापी और क्रूर लंकापति रावण का भांजा तथा शूर्पणखा का पुत्र है। और अगर वह खड़ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो वह सारी मानवता का विनाश कर देता। तो देववश जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। और इस तरह से आपने मानवता की रक्षा की है। आप शोक त्याग दीजिए। हे राघव, आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी निरपराध की अकारण हत्या नहीं हो सकती है। फिर ऋषियों ने श्री राम को शूर्पणखा के बारे में विस्तार से बताया। शूर्पणखा अपने तपरत पुत्र की देखभाल बड़े मनोयोग से करती थी। इस घटना से अनजान शूर्पणखा रोज की भांति मिष्ठान फल और अन्य पकवानों को कटोरी में भरकर अपने पुत्र जम्बू के पास गई। किंतु वहां पर उसके शरीर को टुकड़ों में देखकर वह आर्तनाद करने लगी। उसने कातर स्वर में पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि यह बात मैंने तुम्हें समझाई थी कि रावण जैसे प्रतापी और क्रूर आदमी से मत लड़ो। वह कितनों की निर्मम हत्या कर चुका है, कुबेर उसका कुछ नहीं कर सके, सांडिल्य ऋषि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और अनरण्य और नल कुबेर का श्राप उसका कुछ नहीं कर सका। इंद्र के साथ अन्य योद्धा भी उसका कुछ नहीं कर सके, तो तुम भला उसका क्या कर लोगे। किंतु देववश तुम माने नहीं। और हाँ पुत्र, मुझको पुत्र विहीन करके इस विधवा नारी को छोड़कर चले गए। ऐसा विलाप करते हुए वह गुस्से में आग बबूला हो गई। मुनियों का अनिष्ट करने की इच्छा से उनके पास गई और मुनियों से यह कहा कि तुम लोग अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम लोगों की वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम लोगों का सर्वनाश कर दूंगी। मुनियों ने जब देखा कि उनके ऊपर संकट आ रहा है, तब उन्होंने उसके पूछने पर यह बताया कि तुम्हारे पुत्र की हत्या किसने की है। अपने पुत्र के हत्यारे के बारे में जानकर शूर्पणखा क्रोध में पागल हो गई और लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह श्री राम की कुटिया की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वह श्री राम के रूप लावण्य को देखकर अत्यधिक मुग्ध हो गई। पुत्र शोक को भूलकर कामातुर शूर्पणखा ने श्री राम से शादी का प्रस्ताव कर दिया। इसके बाद में श्री राम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम लक्ष्मण से बात करो। उनका यह विनोदपूर्ण शब्द सुनकर वह लक्ष्मण के पास गई। किंतु लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के पास तुम पहले गई हो, इसके लिए अब मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, अतएव तुम उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी से श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। अंत में वह क्रोध में व्याकुल होकर के ऐसा कहने लगी कि तुम जिस सीता की वजह से मुझे ठुकरा रहे हो, मैं उसी का भक्षण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह भयानक रूप धारण करके सीता जी की तरफ झपटी। माता सीता की तरफ झपटते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तत्काल लक्ष्मण जी ने खड़ग निकाल करके शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए और इस तरह कुरूप होकर के शूर्पणखा अपने संरक्षक खर और दूषण के पास चली गई। उसके प्रतिशोध की ज्वाला में अंत में खर दूषण ही नहीं अपितु रावण का पूरा कुल ही नष्ट हो गया।
मित्रों, यह कथा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या किसी ग्रंथ में भी इसका उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लंका के सेनापति प्रहस्त के एक पुत्र का नाम भी जम्बूमाली बताया गया है, जिसका वध हनुमान जी द्वारा हुआ था। ये ध्यान रखें कि ये दोनों जम्बूमाली अलग हैं। शूर्पणखा के इस पुत्र की कथा केवल रंगनाथ रामायण में उपलब्ध है। दक्षिण भारत के कम्बन रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र के विषय में कुछ ऐसी ही कथा मिलती है, किंतु उस ग्रंथ में उसका नाम शंभू कुमार बताया गया है। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।